चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। हम इस वक्त मौजूद हैं दीनपुर के छठ घाट पर। विशाल पार्क का ये हिस्सा है और यहाँ पर हर साल जो छठ मैया की पूजा है वो की जाती है। इस बार जो घाट है वो बनकर तैयार हैं। आप देखें, एक विशाल घाट बनाया गया है जिसमें हजारों जो व्रती हैं छठ को करने वाले वो लोग यहाँ पे छठ पूजा करते हुए देखे जाएंगे। इस छठ घाट का जो निर्माण है यहाँ की जो निगम पार्षद हैं संतोष सुखबीर शौकीन उनके द्वारा कराया गया है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस आयोजन से बेहद खुश हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इन लोगों के पास और सुनवाते हैं कि ऐसे भव्य छठ घाट के निर्माण के बाद लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। ये हमारे लिए सुखबीर शौकीन जी ये बहुत 8 सालों से ये मतलब और सुमेश शौकीन जी मिल करके ये हमें पक्का छठ घाट दिए हैं और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इनका पूरा सहयोग करते हैं, हमारा भी ये सहयोग करते हैं और छठ घाट के लिए इनका बहुत बहुत योगदान है। इनके सौजन्य से छठ घाट होता है, पूरा हर साल होता है और बहुत बढ़िया होता है। ऐसा कहीं नहीं है दिल्ली में जो इतना बड़ा छठ घाट है किसी। सर यहाँ पे तो 8-10 सालों से हर छठ पूजा और यहाँ पे हमारे पहले सुमेश शौकीन जी, सुखबीर शौकीन जी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। इतना यहाँ सुविधा देते हैं कि जिसे दूर दूर से लोग यहाँ पे कई कॉलोनियों से लोग आते हैं, रात भर रह करके यहाँ पे छठ पूजा 3-4 दिन से चल रहता है। यहाँ पे कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, हर चीज़ का सुविधा है। यहाँ पे इतना अच्छा छठ सुविधा यहाँ पे इस क्षेत्र में कहीं हमारे को नज़र नहीं आता है। आज 8 साल से 8वां साल जो है यहाँ पे छठ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पहले विधायक सुमेश शौकीन जी के द्वारा शुरू किया गया, उनके सहयोग किए सुखबीर शौकीन जी। सुखबीर शौकीन जी इतना इस घाट में सहयोग दिए कि छठ मैया इनको और इनकी पत्नी को यहाँ से काउंसलर बना दिए। पहले तो कार्य चलता ही था सही ढंग से, लेकिन सुखबीर शौकीन जी के धर्मपत्नी श्रीमती संतोष सुखबीर शौकीन जी 2 साल से काउंसलर बनी है। 2 साल से इस घाट पर माताओं और बहनों को इतना बढ़िया से सेवा करती है कि आप देख ही रहे कि इस साल इस घाट को फिर तोड़ करके अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। भगवान करे कि उनको अगले बार भी काउंसलर बनाया जाए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले सुमेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 8 साल पहले उन्होंने सबसे बड़ा पर्व जो पूर्वांचल का छठ पूजा के नाम से दिल्ली में मनाया जाता है और पूरे देश में मनाया जाता है, और 8 साल पहले जब सुमेश जी आम विधायक जी थे उन्होंने इस छठ घाट का निर्माण किया था और हमारे सभी सहयोगी साथियों ने उनसे और हमारे से डिमांड रखी थी। अक्सर पूर्वांचल के लोग जगह जगह एक एक प्लॉट में छठ पूजा करते हैं, क्यों ना आप इस पार्क को छठ घाट के नाम से दिया जाए। और पिछले 8 साल की बात ही, हर साल हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छठ मैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है और पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका सहयोग, जैसे 2 साल पहले मेरी मिसिज ने चुनाव लड़ा यहाँ से, सबसे ज़्यादा अगर वोट दी है किसी को तो संतोष को दी थी, वो इसी का फल था जो हम पिछले 8 साल से यहाँ छठ मैया का जो पूजा कराते हैं उसमें सहयोग करते हैं, अपना तन मन धन तीनों चीज़ लगाते हैं, उसी के आशीर्वाद से इन लोगों ने हमारे को मेरे परिवार को आशीर्वाद रूप में वोट दी और अपना सेवक बनाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ इस पार्क की देन है, जो आज आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे सर्वांचल की बात करूँगा मैं और ख़ास तौर पर इस पार्क में जो भी डेवलपमेंट किया है वो चाहे सुमेश जी जब MLA थे उन्होंने किया, आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो संतोष जी के माध्यम से हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है। ये घाट पिछले 5 साल पहले सुमेश जी ने पक्का कराया था पर उसमें कुछ कमियाँ थी, उस कमी को देखते हुए इस साल मैंने प्रण लिया, पिछले साल ही प्रण ले लिया था कि अगली बार जब अर्घ का टाइम आएगा तो इसको हम बहुत सुंदर पक्का घाट और RMC करके 9 इंची दीवार पैड़ी करके इसको एक भव्य, मैं मानता हूँ कि मटियाला विधानसभा में
इससे अच्छा घाट शायद कहीं होगा। आप सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छठ पर्व यहाँ बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। पहले तो मैं दीनपुर गांव की सरजमी पर बैठा हूँ और हम लोग यहाँ पे अपना मकान बना के बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को दीनपुर जैसा गांव मिला और हम लोगों ने दीनपुर गांव से एक बच्चा मांगा जो कि दीनपुर गांव का रत्न था, उसको हमने अपने गोद में ले लिया और उसको निगम पार्षद के लिए हम लोग लाने का प्रयास किया, जिसके छठ मैया के घाट जब 2008 से 8 साल पहले सुमेश शौकीन ने दीनपुर गांव के बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करके इस पार्क को सुंदरीकरण कराया। पहले ये घाट नहीं था, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था जिसमें गंदगियाँ फैली होती थी, कॉलोनी पूरे बदबू से भरी होती थी, गांव वाले लोग बदबू से भरे होते थे इसके। लेकिन जब से सुमेश शौकीन यहाँ पे विधायक बने, इस पार्क का निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूर्वांचल के लोग हर जगह छोटे छोटे घाट बना बना के अपनी छठ का पूजा करते हैं, तो उनके मन में ये आया कि आप लोग यहाँ अलग अलग बना रहे हैं छठ पूजा, तो आप लोग एक जगह क्यों नहीं मनाते। हमने कहा, हम लोगों ने मिलकर विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे छठ घाट का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो उन्होंने दीनपुर गांव से मिलके, गांव वालों ने बहुत सहयोग किया कि उन्होंने उन गांव से मिलके उन्होंने इस छठ घाट का जमीन का त्याग किया और ये छठ घाट बना। सुमेश शौकीन जी जब से बनाने के बाद ये सुखवीर शौकीन इस छठ घाट के लिए हर साल प्रयत्नशील रहते थे कि इस छठ घाट को कितना सुंदर बनाया जाए। 8 साल पहले से जो छठ घाट की पूजा शुरू हुई उस समय से इसमें कुछ ना कुछ उन्नति करते गए। अपने निगम पार्षद संतोष सुखवीर शौकीन, जब वही मैडम भी आई थी यहाँ पे पूजा देखने के लिए, तो उनके मन में ये आया कि भाई औरतें जो जाती हैं छठ घाट के अंदर, उनको फिसलन की डर रहती थी कि फिसल के कहीं वो बेचारे गिर ना जाएं पूजा करने आए हैं, इसलिए इस साल सुखवीर शौकीन का ये त्याग रहा कि आज इस छठ घाट का बहुत बड़ा सुंदरीकरण हो रहा है और सबसे बड़ा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विश्व छठ घाट बन के तैयार हो रहा है। और ये हम संतोष सुखवीर शौकीन को धन्यवाद देते हैं और माता रानी से एक प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इनको ऐसे उन्नति के पद पर लेते जाएं और हमारे छठ का ऐसे पूजा होता रहे, माता हमेशा इनको आगे बढ़ाती रहें। सुना आपने सभी लोगों को, लगभग सभी लोग ये कहते हुए पाए गए कि जो भव्य छठ घाट है, ऐसे सुंदर घाट की बेहद आवश्यकता थी। 8 साल से ये लोग लगातार यहाँ पे छठ पूजा करते रहे हैं और इस बार जो शानदार छठ घाट बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए स्थानीय निगम पार्षद को धन्यवाद देते हैं। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।